नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। यूपी में सपा की साइकिल पर सवार हुई कांग्रेस, दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर लगी मुहर। कांग्रेस 105 और एसपी 298 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सपा ने कहा, धर्मनिरपेक्षता के लिए गठबंधन जरूरी। अखिलेश यादव ने जारी किया समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो में स्मार्टफोन, प्रेशर कुकर और आगरा कानपुर काशी में मेट्रो देने का वादा, लेकिन समारोह से दूर रहे मुलायम। पंजाब में बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। घोषणा पत्र में किसानों को कर्ज माफ, गरीबों को घर और बेटियों को पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा का वादा। जेटली ने कहा, 1 जुलाई तक जीएसटी लाना सरकार का लक्ष्य। उत्तराखंड में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। लिस्ट में 63 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। वहीं टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेसियों ने कांग्रेस भवन में की तोड़फोड़। कानपुर रेल हादसे के बाद भी भारतीय रेल ने नहीं लिया कोई सबक। आंध्र प्रदेश रेल हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 41। हीराखंड एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे थे। और कोलकाता वनडे में भारत के सामने 322 रनों का विशाल लक्ष्य। इंग्लैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर बनाए 321 रन। क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरी टीम इंडिया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।